जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। दिस इज मानवेंद्र प्रताप सिंह एंड लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। काफ़ी दिन बाद क्लास हुई है, तो कुछ कोविड हो गया था इसलिए काफ़ी दिन से क्लास नहीं ले पाया था एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट, बट नाउ द क्लासेज विल बी रेगुलर, सो बी हीयर एट टाइम। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया है, जहाँ पे इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो जाइए इस ऐप को डाउनलोड करिए और इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ने की अपॉर्चुनिटी को मत गंवाइए। साथ ही साथ आप जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके काफ़ी सारे एडवांटेज उठा सकते हैं, जिसमें हमारी जो ई बुक्स हैं आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये सब चीज़ तभी हो पाएगी जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, लेकिन ये है कि अगर आपने GS आइकॉनिक का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लिया तभी आप इस मतलब जो ये ऑफ़र है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपल कि किस तरीके से सब्सक्रिप्शन लेना है, क्या लेना है, क्यों करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको UPSC की तैयारी करनी है तो यू नीड ए प्रॉपर गाइडेंस, और वो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का बनता है। अब सब्सक्रिप्शन में हमारे यहाँ पे दो टाइप के हैं, एक है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, एक है अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में क्या होता है, आपको टीचर से 1-to-1 गाइडेंस मिलती है। लाइक अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप अपने टीचर से बात कर सकते हो, आप आंसर राइटिंग कर रहे हो आप उसको चेक करा सकते हो, और प्लस में आप क्लासेज अटेंड कर सकते हो बस बेसिकली। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है 12 मंथ का, 24 मंथ का, 36 मंथ का, कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पे भी आपने कोड यूज़ करना है MPS और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये कोर्स आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो भी आप मेरा कोड यूज़ करिए MPS और 10% का डिस्काउंट उठाइए, ठीक है। इसके अलावा आप ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अनअकैडमी में, एंड यहाँ पे भी आप कोड यूज़ कर सकते हो MPS, है ना। हमारा जो अभी TVF वाला शो आया है उसका जो पहला एपिसोड है वो भी ऑप्शनल की ही बात करता है, तो आप ऑप्शनल की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं भाई। बस आपको कोड यहाँ पे यूज़ करना है MPS एंड 10% का डिस्काउंट लेके अपनी तैयारी करनी है, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, जल्द से जल्द आप इसमें अपने आप को इनरोल करिए। ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हैं, आप चाहे बाइलिंगुअल बैचेस हैं, इंग्लिश बैचेस हैं, हिंदी बैचेस हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हों। 2022 के लिए, 2023 के लिए, 2021 तो मैं अब इसलिए नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि समय जो है वो कम है, लेकिन अगर सिर्फ रिविज़न एंड ऑल करना है तो उसके लिए भी कोर्स तो अवेलेबल है ही अपने पास, है ना। चलिए तो देखिए, अब आज जो है एडिटोरियल्स हमें क्या क्या डिस्कस करने हैं वो देखते हैं। तो आज तीन एडिटोरियल्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हम तीनों एडिटोरियल्स को यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो आज के आर्टिकल्स आए हैं उसमें से कुछ आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे हैं, कुछ आर्टिकल्स मतलब वही रिपीटिंग है जो पुराने आपने कभी देखे होंगे। और मैं देखा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहा था इतने दिन से, तो मैं देख रहा था काफ़ी सारे आर्टिकल्स आए थे, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं से तो उन्हें कवर किया ही होगा, है ना। चलिए तो सबसे पहले एक एडिटोरियल उठाते हैं फर्स्ट पेज का, सेव द डील। ये आर्टिकल जो है वो US एंड ईरान के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। तो थोड़ा सा इसको समझने से पहले हम पास्ट में जाएंगे। तो एक डील थी जिसका नाम था ईरान न्यूक्लियर डील, ये तो आप लोगों ने अब बिल्कुल रट ली होगी, इतनी बार न्यूज़ में आ चुकी है, जिसको P5+1 नेशन डील भी बोलते हैं या फिर जिसको JCPOA भी बोलते हैं, ठीक है। JCPOA मतलब होता है जॉइंट कॉम्प्रेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, P5 मतलब 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लस 1 जर्मनी, एंड ये इंडियन ईरान न्यूक्लियर डील भी इसको बोलते हैं। हुआ क्या था, देखो 2015 से पहले जो है ईरान काफ़ी सारा यूरेनियम इनरिच करता था, तो पूरे विश्व को डर लगा कि इतना यूरेनियम बना के करेगा क्या भैया, न्यूक्लियर बम बम बनेगा, सब लोग मर जाएंगे, कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने क्या किया, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए कि ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। तो ईरान ने डर के पूरे विश्व के बड़े बड़े कंट्रीज़ की टर्म्स को एक्सेप्ट किया, और 2015 में ये डील हुआ जिसका नाम हुआ ईरान न्यूक्लियर डील। इस डील के तहत ये था कि ईरान जो है एक प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा यूरेनियम इनरिच नहीं कर सकता है, और अगर ईरान ऐसा करेगा तो फिर उसके ऊपर फाइन लगेगा, उसके ऊपर सैंक्शन लगेगा। तो दिस इज़ व्हाट ईरान न्यूक्लियर डील वॉज ऑल अबाउट, और ये आपने समझा। अब इसमें क्या हुआ कि देखो, जब 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ उस समय ओबामा जी की सरकार थी, जब ओबामा जी गए तब आए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है US को ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर ले लिया, उनको ईरान न्यूक्लियर डील वैसे भी पहले जब इलेक्शन अपना कैंपेनिंग कर रहे थे उस समय भी उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था, तो ये चीज़ तो तब भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे समस्या देखने को मिली और उसके चलते हुए फिर ईरान न्यूक्लियर डील जो है वो कैंसिल कर दी गई, ठंडे बस्ते में चली गई। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एलाइज से कहा, जैसे कि इंडिया एंड एक्सेट्रा कंट्रीज़ की, भैया आप भी जो है ईरान के साथ ट्रेड वेड करना बंद कर दो,
हम सेकेंड नंबर पे ऑयल इंपोर्ट करते थे ईरान से, फिर हमने भी कम किया, और हमारे लिए ईरान वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि ईरान से हमने रिलेशन तो अच्छे मेंटेन किए ही किए थे। साथ में जो छाबार पोर्ट है हमारा, वो भी ईरान में ही है। छाबार पोर्ट आपको याद पता होगा वैसे तो, आई थिंक कि देखो भाई, ये भारत का अपना प्यारा मैप है, इधर ये पाकिस्तान है, ये इधर अफगानिस्तान, इधर कहीं आपका पड़ता है छाबार पोर्ट, ठीक है। मामला क्या है कि पहले देखो भाई, ऐसे ट्रेड करते थे, पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी थी और रोड और बाय रोड ट्रेड के लिए। अब क्या है, आप भैया शिप से मस्त छाबार पोर्ट पे सामान लाओ, यहाँ से ट्रेड करो। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाएगी अगर आप ईरान के साथ अच्छे से नहीं रहेंगे। तो भारत तो चाह ही रहा है कि जल्द से जल्द यूएस ईरान का जो है रिलेशन सॉर्ट आउट हो। और वैसे तो बाइडेन साहब जो आए हैं, इन्होंने भी कमेटी बना दी थी इस पर्टिकुलर मुद्दे को देखने के लिए, लेकिन वही है ना कि चीज़ें जो हैं वो ठंडे बस्ते में हैं। और यहाँ से सिर्फ चीज़ें तो इतनी तो थी नहीं, आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के समय में तो भैया इन्होंने ईरान के कमांडर को भी उड़ा दिया था, कासिम सुलेमानी, जो कि कुड्स फोर्स के कमांडर थे। कुड्स फोर्स क्या थी, ईरान की ये वो फोर्स थी जो ईरान के एक्सटर्नल अफेयर्स को देखती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको याद हैं, और जो भी हुई थी, विद टाइम थिंग्स कैन बी रिजॉल्व, बट उसके लिए दोनों ही कंट्री को एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट में आना पड़ेगा, बातचीत में आना पड़ेगा, और जल्द से जल्द इन मुद्दों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल के ऊपर। जो अगला एडिटोरियल है हमारा, वो यहाँ पे बात करता है, टॉक्स अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, डिजाइनिंग अ रेजोल्यूट रेजोल्यूट कोविड-19 रिस्पॉन्स। देखो ये आर्टिकल जो है ना, काफ़ी अच्छी बात करने की कोशिश कर रहा है, और इसको समझना होगा हम सभी को, हमको दिमाग में अपने सेट करना होगा। देखो अभी क्या है ना, पूरे भारत के अंदर कोविड-19 का सेकेंड वेव बोलें या थर्ड वेव बोलें, कोई कोई तो एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं कि दिल्ली दिल्ली में तो चौथा वेव चल रहा है। ये काफ़ी बुरी तरीके से प्रहार कर रहा है देश, पूरे देश के ही ऊपर। आप जहाँ भी रहते होंगे, आप अपने आसपास कुछ ना कुछ इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटना सुन रहे होंगे, क्योंकि अब ये जो एक्चुअली में जो कोविड-19 है वो फैल रहा है बहुत तेज़ी से, और काफ़ी लोगों को अब तक इसने अपनी जकड़ में ले लिया है। इस आर्टिकल के अंदर जो है, राइटर सजेस्ट करेंगे वेज जिसके थ्रू कोविड-19 की जो समस्या है इसको अभी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब सॉर्ट आउट तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है वो अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन कुछ वेज लिखे हैं इन्होंने जो ठीक है, इसमें से पॉइंट्स लिए जा सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर राइटर देखो पहले बोल रहे हैं कि भैया सबको लगा था जनवरी तक कि वायरस जो है जा चुका है, लेकिन अप्रैल 2021 आया और वायरस तो और अच्छे खतरनाक तरीके से वापस लौट आया है। अब ऐसी बात नहीं है कि चीज़ें कर नहीं रही हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही है, सब हो रहा है, उसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है। अभी देखो एक समस्या जो सबसे बड़ी है ना, वो ये है कि 2020 में जब ये प्रॉब्लम हुई थी, जब कोविड नया नया आया था, अभी उससे भी ज़्यादा बुरी हालत क्यों बताई जा रही है, क्योंकि तब हमारे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, और उसके बाद जो समस्याएं थी स्वास्थ्य से संबंधित या फिर हॉस्पिटल से संबंधित, उन सबको सॉर्ट आउट कर लिया गया था। लेकिन अब क्या है कि अब लॉकडाउन लगाना पूरा प्रॉपरली इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ने भी इस चीज़ को नकार दिया है, चाहे फिर वो योगी आदित्यनाथ हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बात ये है कि अभी तो है जो समस्या ये कि हॉस्पिटल में बेड नहीं हो रहे हैं, ये भी सुनने में आता है जब आप किसी के बारे में सुनते हैं पढ़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो अभी देखने को मिल रही हो। तो ये 2020 वाले सिचुएशन से थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दे रहा है 2021 का सिचुएशन। इसके बाद देखो राइटर जो हैं वो बताते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करो डिसेंट्रलाइजेशन का, कि धीरे धीरे चीज़ों को और बांटा जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए, ठीक है, और लोकल लेवल पे चीज़ों को देखने दिया जाए। तो पहला तो इन्होंने तरीका ये बताया है। फिर इन्होंने देखो एक ये बताया कि भैया मास्क वास्क लगाने पर सख्ती करी जाए, है ना। फिर राइटर ने यहाँ पे ये बताया कि जो जो वैक्सीन है उसका प्रोडक्शन बढ़ाओ, और वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद ये जो एज कैप है ये ख़त्म कर दिया जाए। वैसे आज एक फ्रंट पेज पे न्यूज़ भी आई है कि स्पुतनिक वी को जो है अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि भाई भारत में समस्या आप देख ही रहे हो किस तरीके से बढ़ रही है, तो बहुत ही सही चीज़ है अगर स्पुतनिक वी भी भारत में एज ए वैक्सीन की तरह आ जाए। इसके बाद देखो राइटर ने ये भी सजेस्ट किया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या को बढ़ा दिया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए, जिससे पता पड़े कि कोविड कितने लोगों को है, कैसे है, कहाँ है, फिर लोग वो लोग उस चीज़ को लेके क्वारंटाइन हो सकें, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पे बड़ा मुद्दा उठाया गया है। इसके बाद वैक्सीन रोल आउट को बढ़ाने की बात करी है, तो 35 ईयर्स कर दिया जाए कैप, इसके ऊपर सभी को लगाया जाए। देखो एक समस्या क्या हुई ना, जब कोविड स्टार्टिंग में था और जब वैक्सीन लग रही थी,
तब लोगों ने वैक्सीन लगवाई नहीं, उस समय लोगों ने थोड़ा सोचा कि भैया सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब क्या है कि अब तो भैया हर कोई लगवाना चाह रहा है, जब इस तरीके से मामला फैल रहा है तो अब वैक्सीन शॉर्टेज भी सुनने में आ रही है, वैक्सीन ख़त्म भी होने में सुनने में आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। लास्ट में राइटर जो है एक पॉइंट उठाते हैं, वो उठाते हैं सोशल सपोर्ट इज़ की। मतलब राइटर का ये कहना है कि एक्चुअली में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये कि जनता को आप इन्वॉल्व करिए, जनता को आप इन्वॉल्व करके पैंडमिक में लड़ने मदद उनकी लीजिए, उनसे तरीके समझिए, जनता से उनका इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड करिए, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस तैयार कराइए, कम्युनिटी बेस्ड सॉल्यूशन तैयार कराइए, जिससे कि जनता की भी इन्वॉल्वमेंट हो और वो भी इस चीज़ को पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ सके। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में लिखी हुई थी, बाकी एक बार रीड जरूर करिएगा। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड चांस फॉर नेपाल्स यंग डेमोक्रेसी, ये वाला आर्टिकल जो है इसको देखते हैं। आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले जो है नेपाल के अंदर केपी शर्मा ओली साहब ने अपनी सरकार को भंग करवा लिया था वहाँ के प्रेसिडेंट के साथ मिलके। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा रहा है कि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लूप होल्स हैं और उसका फ़ायदा लिए जा रही है वहाँ की सरकारें। देखो 2015 के बाद जब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, तब लगा कि भैया नेपाल में डेमोक्रेसी जो है अब वापसी कर चुकी है और अब वहाँ पर डेमोक्रेसी अच्छे तरीके से चलेगी। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें नहीं टिक पाई, क्योंकि जो नेपाल को एक बेसिक प्रॉब्लम हमेशा से हो रही थी वो डेमोक्रेसी की हो रही थी, और फिर इस बार वो देखने को मिला। नेपाल की कुछ जो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो अपोजिशन हैं, वो मिलके केपी शर्मा ओली साहब की सरकार गिराने के चक्कर में थी। तो केपी शर्मा ओली साहब ने दिमाग लगाया और खुद ही कुछ तरीका ऐसा अपनाया जिससे कि चीज़ें जो हैं और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। देखो यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स की बात करिए जो लूपहोल्स बताए जा रहे हैं राइटर के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द राइटर इन नेपाल्स कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि एक है एक अनयूजुअल क्लॉज है आर्टिकल 100 सब क्लॉज 4 का, जो कहता है कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है दैट अलाउज नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली 2 ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, एंड इवन दिस कैन हैपन ओनली व्हेन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स में टेबल अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन राइटिंग दैट ए हाउस हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन द प्राइम मिनिस्टर। मतलब भैया पहले तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन में ये लूप होल है कि भैया 2 साल से पहले तो आप नो कॉन्फिडेंस ला नहीं सकते हो, और अगर नो कॉन्फिडेंस लाओगे भी तो जो ट्रिक है प्रोसेस जो है दैट इज़ वेरी ट्रिकी, 1/4 मेंबर चाहिए। तो ये एक अपने आप में समस्या है, और समस्या तो है ही है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है ना कि इस तरीके की चीज़ें अगर रहेंगी तो फिर अगर कल को ज़रूरत पड़ेगी तो भी इनका यूज़ नहीं हो पाएगा। फिर देखिए कि आर्टिकल 100 सब क्लॉज 5 जो है वो कहता है कि इट्स इवन मोर परप्लेक्सिंग विच नेसेसिटीज द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस शॉल ऑल्सो इंडिकेट द नेम ऑफ अ मेंबर प्रपोज फॉर द प्राइम मिनिस्टर। इसमें कहा है कि भैया ये भी डिसाइड करो कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा अगला, उसके बाद ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ पाओगे। अब भाई अगर कोई किसी को हटाएगा तो अलग अलग पॉलिटिकल, आप इंडिया के कंटेक्स्ट में ले लो, अभी मोदी जी को हटा के सारी पॉलिटिकल पार्टी प्लान कर लें तो सबसे बड़ा जो पंगा हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आपस में, वो ये हो जाएगा कि मोदी जी के सिवा कौन आएगा भैया, कौन रिप्लेस करेगा, उसी में लड़े भिड़े जाएंगे सब। तो ये सारी समस्या जो हैं वो देखने को मिली हैं, और नेपाल की जो डेमोक्रेसी है उसकी हालत सुधरने की ऐसा अनुमान लगाया जाता है कुछ चेंज हुआ होगा पहले से जो जब से नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, लेकिन चीज़ें वैसी की वैसी फिर से देखने को मिल रही हैं। तो ये है बात। और वैसे भी आपको पता होगा कि नेपाल के अंदर जो है इंडिया को जो वहाँ की गवर्नमेंट है स्पेशल केपी शर्मा ओली की, वो एज ए नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरह दिखाते हैं। जैसे कि भारत में पाकिस्तान को कुछ बोल दिया जाता है तो कुछ लोग प्रसन्न हो जाते हैं, तो नेपाल में भी आजकल इसी तरीके का चलता है कि इंडिया के अगेंस्ट में कुछ बोल दो तो नेशनलिज्म की भावना ले आओ ये वो। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको पता होगा कि रीइंस्टेट कर दिया था पार्लियामेंट को फेब में इसी साल, और मार्च 7 में तो उन्होंने यहाँ तक बात हो गई थी कि लीगल स्टेटस ऑफ द रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को स्क्रैप कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब देखते हैं इन दी एंड यहाँ पे होता क्या है। लास्ट में देखो राइटर जो हैं वो वे आउट सजेस्ट करते हैं कि भैया कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, फ्रेश इलेक्शन इलेक्शन कराना कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपस में बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए और जनता के बारे में सोचिए, ना कि अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के बारे में यहाँ पे सभी लोग सोचें। तो ये बात यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर कही गई है बाय राइटर, ठीक है। चलिए अब आज की कुछ न्यूज़ व्यूज़ है एक बार देख लेते हैं, बस एक ही न्यूज़ मैं कवर कर रहा हूँ आज, और बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट कल से हम न्यूज़ भी कवर करेंगे, ठीक है। एक न्यूज़ जो कवर कर रहा हूँ मैं वो है कि एस केसेस सर्च पैनल अप्रूव्स रशिया स्पुतनिक वी वैक्सीन। तो स्पुतनिक वी वैक्सीन हमको पता है रशिया की वैक्सीन है, 92% एफिशिएंसी इसकी बताई जा रही है। अगर 92% एफिशिएंसी है तो इट विल बी बेटर देन कोविशील्ड एंड आपका कोवैक्सीन, क्योंकि इतनी एफिशिएंसी दोनों में नहीं है।
और जल्द से जल्द ये भी रोल आउट हो और चीज़ें जो हैं बेटर हों देश के अंदर, जो वैक्सीन है उसका जो वैक्सीनेशन है वो बढ़े, प्रोडक्शन वैक्सीन का बढ़े, जिससे कि अभी न्यूज़ आ रही थी कहीं कहीं वैक्सीन शॉर्टेज हो रही है तो वो सब चीज़ देखने को ना मिले, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ है, 24 आवर बैन ऑन मुमताज़ कैंपेन, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि इन्होंने पोल कोड का वॉयलेशन किया इन अपने स्पीचेस, तो ये चीज़ देखने को मिली। इसके बाद सीएम लेस स्ट्रेस ऑन वैक्सीनेशन, ठीक है। गवर्नमेंट बार मील्स ऑन शॉर्ट, ठीक है। ये देखो चेन्नई वैसा वाला एडिशन है, आपको जिन लोगों को ऑनलाइन ई पेपर लेना रहा करे, जैसे बहुत लोग बोलते हैं सर हमारे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो यही होता है ई पेपर। इसमें देखो आपको अलग अलग स्टेट वाइज मिल जाता है, कुछ कुछ न्यूज़ चेंज हो जाती हैं स्टेट में, तो जैसे दिल्ली सेलेक्ट कर लिया करो, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं दिल्ली के वो दिल्ली वाला पढ़ा करें, ना कि अलग अलग वाला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखिए आप, और एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। और एक एडिटोरियल इसमें है, ये आप ज़रूर पढ़िएगा, इंडिया साउथ एशियन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये मैंने कवर इसलिए नहीं किया है क्योंकि काफ़ी दिन बाद अभी लौटा हूँ, तो आज ये वाला जो आर्टिकल है ना ये मैं चाह रहा हूँ आप लोग खुद से पढ़ें, ठीक है। फिर कल मैं इसको आपको पढ़ाऊँगा। यहाँ पे देखो एडिटोरियल में एक न्यू हमने क्या क्या पढ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने COVID-19 वाला एडिटोरियल पढ़ा कि किस तरीके से इसकी रोकथाम करी जा सकती है, किस तरीके से इससे लड़ाई करी जा सकती है। फिर हमने एक आर्टिकल पढ़ा सेकंड चांस फॉर नेपाल्स यंग डेमोक्रेसी। फिर हमने यहाँ पे एडिटोरियल पढ़ा सेव द डील, यूएस एंड ईरान शुड बी रीबिल्ड ट्रस्ट, है ना। हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ये कहा जा रहा है कि जो सिस्टम है यूएस एंड नेपाल, सॉरी यूएस एंड ईरान, नेपाल निकल रहा है दिमाग से, देखो जो ईरान है ईरान न्यूक्लियर डील में जल्द से जल्द वापस लाया जाए इसको, और जो P5 नेशंस थे चाइना रशिया यूके फ्रांस जर्मनी, ये सब मिलके जो हैं P5+1 नेशन डील को फिर से ऑन ट्रैक लेके आएँ, JCPOA को ऑन ट्रैक लेके आएँ, और उसके लिए यूएस की मर्जी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बाइडेन साहब का सीरियसनेस भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बाइडेन साहब सीरियस नहीं है इस मुद्दे के प्रति, उन्होंने पहले ही अपने स्टार्टिंग के ही समय में इस पर डिसीजन लेने की कोशिश करी थी, कमेटी बनाई थी जो इसको देखने का काम करेगी, बट वही है ना कि कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि जल्द से जल्द यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि ईरान भी अब बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो चुका है और काफ़ी समय से उल्टी सीधी धमकियाँ भी दे रहा है, तो अगर कुछ ऐसे गलत स्टेप ना उठाए तो बेटर है दोनों ही कंट्री के लिए और चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट हों। यूएस अभी देखो वर्ल्ड में दो मामलों में फंसा हुआ है, पहले तो ईरान के साथ अपना टेंशन को लेके, और यूएस को अब अफगानिस्तान वाला मैटर भी सॉर्ट आउट कर देना चाहिए यार, बड़ा लंबा इन्होंने खींच दिया है। तो देखते हैं इस पे क्या होता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आई होप आप लोगों की पढ़ाई इतने दिन अच्छी चली होगी, इसको कंटिन्यू करिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा अच्छे से, एंड कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे 6:30 AM पे, एंड सेशन को देखेंगे, सेशन को पढ़ेंगे, और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।